कोई एक्स्ट्रा एफर्ट क्या करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लेना, पेन क्यों लेना, ये तो देख नहीं रहा बंदा कि एक्स्ट्रा एफर्ट तुम्हारे लिए ले रहा है। हाय बच्चों, हम कर रहे थे इश्यू शेयर। लास्ट क्वेश्चन ना एक बार जल्दबाजी में होता है, एक बार दोबारा देख लो। कंपनी ने इश्यू किया 10,600 रुपीज 10। एप्लीकेशन रिसीव हुई है जो 10,000 शेयर्स की, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 10,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन मिल रहे हैं 2 रुपये, अलॉटमेंट मिल रहे हैं 3 रुपये, फर्स्ट कॉल में मिल रहे हैं 3 रुपये और सेकेंड कॉल में मिल रहे हैं 2 रुपये। ठीक है जी, तो एप्लीकेशन में 2 रुपये, अलॉटमेंट 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और सेकेंड कॉल पे 2 रुपये। हाँ, जो पहली एंट्री क्या आएगी, पहले लोग हमें अप्लाई करते हैं, पहले हमें लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं तो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या शेयर एप्लीकेशन। अगर वर्ड इक्विटी नहीं लिखा हुआ, अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं लिखा हुआ तो शेयर एप्लीकेशन। क्या मैडम, क्या लिख सकते हैं, अपॉइंटमेंट लिख सकते हैं, अपॉइंटमेंट बोला। मैं थोड़ा ऐसा वर्ड कभी नहीं सुना अपॉइंटमेंट, आपकी टीचर ने शुरू करा दिया इशू शेयर्स। एप्लीकेशन वर्ड होता है ना कहीं, मैंने आज तक तो अपॉइंटमेंट पढ़ा ही नहीं है। हाँ, जो 10,000 शेयर्स में कितने रुपए आ गए हैं, 2 रुपए आ गए हैं, 10,000 × 2 कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 × 2 20,000 हो जाएगा। अगला एंट्री जो पहली एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी, अब एप्लीकेशन वैसे किस में कन्वर्ट होता है, शेयर एप्लीकेशन वैसे कन्वर्ट होता है शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन में पैसा कन्वर्ट कर दीजिए जो शेयर कैपिटल, पहले लोग हमें अप्लाई करेंगे, जब लोग ही हमें अप्लाई करेंगे इनका पैसा कन्वर्ट कर देंगे कैपिटल में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 रुपये। ठीक है, जो नरेशन वही है, मैंने पिछले क्लास में लिखवा दी थी, बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन वैसे कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अब जो देखो अलॉटमेंट कितनी है, 3 रुपये है, अलॉटमेंट कितनी है, 3 रुपये है। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। हमें अलॉटमेंट बनी हुए 3 रुपये मिल रहे हैं जी, 10,000 शेयर्स पे 3 रुपये मिलेंगे। तो 10,000 शेयर्स पे हमने ना मांगे, हम ये ना रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है बच्चों, ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, हम उन्हें रिप्रेजेंट कर, ये ना रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे शेयर होल्डर को रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनाया जा रहा है। हम ए बी सी डी ई को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बना रहे हैं। क्या आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगला क्या है बच्चों, अगला पॉइंट क्या है, पैसे आ जाएंगे। अब पैसे आ जाएंगे, क्या एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, तो पहली एंट्री आएगी जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 × 2, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000। अब अलॉटमेंट पे 3 रुपये मिल जाएंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000। अब पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ, जो फर्स्ट कॉल ड्यू कर दो, फर्स्ट कॉल ड्यू कर दो, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ सर, ये ना रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, इनको हम डेटर बना रहे हैं, एक एक बंदे को नाम डेबिट नहीं हो सकता, हजारों शेयर होल्डर हैं, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खोल रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खोला, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर बेटा ये पैसे मिल गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है उन सारे शेयर होल्डर्स का जिनसे हमें पैसे मांगने हैं, उनको हम डेटर बना रहे हैं डेबिट करके। अब ये लोग हमें पैसे दे देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। फिर हम उनको रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट फर्स्ट कॉल के हम पैसे मांग रहे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा, 10,000 × 3 30,000 हो जाएगा। अब पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा।
फिर उसके बाद जो सेकेंड फाइनल कॉल एंट्री हो जाएगी, उसके बाद सेकेंड फाइनल कॉल की एंट्री हो जाएगी, सेकेंड फाइनल कॉल की एंट्री हो जाएगी, जो सेकेंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेकेंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगी। कितना है भाई सेकेंड फाइनल कॉल? ₹2 का सेकेंड फाइनल कॉल है, 10 × 2 कितना हो जाएगा 20,000। सेकेंड फाइनल कॉल 20,000 आ जाएंगे। अब पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड फाइनल कॉल। हाँ जो इसके इन एंट्रीज में डाउट हो बताओ, हर क्वेश्चन में यही एंट्री रहनी है। किसी का लॉजिक आगे पूछना है पूछ लो। हाँ जी बेटा, किसी को भी? हाँ जी बेटा, थर्ड एंट्री का लॉजिक है कि ना इनको ना लेटर गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको शेयर अलॉट कर दिए गए हैं, ठीक है, तो इस उपलक्ष्य पे आपसे ₹3 और मांगे जा रहे हैं। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खोलना था, उन एक एक बंदे को डेटर बनाना था, हमें शेयर होल्डर बन चुके हैं हमारे, क्या हम सैकड़ों लोग हमारे शेयर होल्डर हैं, क्या मैं उन सबका नाम डेबिट करूँ? तो वो प्रैक्टिकल भी नहीं हो पाएगा, जनरल एंट्री भी नहीं हो पाएगी। तो हमने क्या किया, एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खोल दिया। क्या खोल दिया? उस रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को क्या बोलते हैं बेटा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल हो जाएगा। अब यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो आपको हमेशा जो भी कॉल करनी है उस कॉल को, कॉल का नाम डेबिट कर देना, वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है थ्योरी का, क्या आता है कि इनके नेचर बता दो, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकेंड कॉल की नेचर बता दो। नेचर क्या होती है? रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट, आपने पढ़ा होगा 11th में। कुछ स्कूल के टीचर्स सिर्फ मॉडर्न अप्रोच पढ़ाते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं पढ़ाते हैं। मैं अपने बच्चों को बता देता था कि भाई तुम्हारे स्कूल के हो सकता है मॉडर्न अप्रोच पढ़ाए, ट्रेडिशनल अप्रोच ना पढ़ाए, लेकिन 12th में क्वेश्चन आता है ट्रेडिशनल अप्रोच का। क्या होता है कि आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से पूछते हैं कि रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो याद रखना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है? जी हाँ, ये सारे पर्सनल अकाउंट्स हैं। ठीक है सर, आपने पढ़ा भी, आप क्या ये हमको डेटर बना रहे हैं, ठीक है सर, डेटर बनाते हैं डेबिट करके, यानी कि ये जो अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, सब ये डेटर है, सब ये क्या है? हाँ, उन किन को डेटर बना रहे हैं? हाँ, शेयर होल्डर्स को। एक एक बंदे का नाम डेबिट नहीं कर सकते, इसलिए हमने रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खोल दिए। अगर आप देखें नेट एंट्री यही बन रही है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन कट गया, बैंक टू कैपिटल, अलॉटमेंट अलॉटमेंट कट गया, बैंक टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल कट गया, फर्स्ट कॉल कट गया, बैंक टू कैपिटल, सेकंड कॉल कट गया, बैंक टू कैपिटल। समझ आगे बात सके? नहीं आई, दोबारा हम आगे चलते हैं सर। हाँ जी बच्चों, किसी को डाउट है? ये तो पिछली क्लास वाला ही है, वही समझाया दोबारा, आप नोट किया था पिछली क्लास में, पिछली क्लास वाला दोबारा कराया, और कुछ नहीं कराया मैंने। अगला देखो जी, हाँ जो पिछली क्लास में क्या किया था, फुल सब्सक्रिप्शन क्या किया था? अब बच्चों हेडिंग दीजिएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होती है? हाँ जो अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होती है? अंडर देखो, फुल सब्सक्रिप्शन क्या आती है कि हमने शेयर ऑफर किया 10,000 के, लेकिन एप्लीकेशन में कितनी मिली है? 10,000 की। तो उसे क्या बोलेंगे? फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होती है? कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, लिखे हो जो कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, कंपनी इशू 10,000 शेयर्स और भी 10 एप्लीकेशन रिसीव्ड किया, ₹9,000 शेयर्स। एप्लीकेशन में ₹2 हैं, अलॉटमेंट पे ₹3 हैं, फर्स्ट कॉल पे ₹3 हैं, सेकेंड फाइनल कॉल 3, 3, 6, 2, 8 और सेकेंड कॉल पे कितने रुपए हैं? ₹2 हैं। गिव जनरल एंट्रीज, हाँ जो ये क्या है, किस चीज का केस है? तो अगर वो जो डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन, तो क्या बोलोगे? आते हैं 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, क्या होगा बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स? इफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड इज
If the application received is less than, if the application received by the company is less than share issued, it is called under resolution. ठीक है बच्चों, मैंने ना बहुत बार ना ग्रुप में एक पीडीएफ भेजी हुई है, उसमें सारे कोर्स की थ्योरी है, क्या और भी लिखवाऊँ या उसी में लिखी हुई रहने दो? लिख लो सर, बेटर रहेगा, इशू शेयर में कभी ये पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। अंडर रिजोल्यूशन लिख लो, इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज लेस देन शेयर इशूड इट इज कॉल्ड अंडर रिजोल्यूशन। If application received is less than share issued, it is called under subscription. अगर application received less than share issued है, it is called under subscription shares. इसे बोलेंगे जो under subscription shares, ठीक है? अब देखो जो हमें क्या करना है, क्या कितनी भी under subscription हो सकती है? क्या कितनी भी under subscription हो सकती है? नहीं, एक limit होती है जी, उस limit से नहीं हो सकती। एक्चुअली क्या है, 90% है रूल, लेकिन ना उसके लिए हमें ना लॉ ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि लॉ क्या कहता है। वो हमारे ना माइंड में हमेशा 90% है, टीचरों के माइंड में भी 90% भरा हुआ है, लेकिन लॉ ढंग से पढ़ा नहीं हुआ लॉ सब किसी ने। देखो जो लॉ में पता क्या लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है कि ना आप जो प्रोस्पेक्टस, मैंने पिछली क्लास में बताया था प्रोस्पेक्टस क्या होता है। हाँ बेटा, प्रोस्पेक्टस बताया था क्या होता है, आप ही से पूछ रहा हूँ, हाँ अभी तो कह रहा हूँ, देख के आया हूँ। हाँ जी, प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेटा? प्रोस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट होती है। क्या होती है सर? झूठ नहीं बोलना चाहिए, ग्रह खराब हो जाते हैं। हाँ, प्रोस्पेक्टस, युधिष्ठिर महाराज ने भी झूठ बोला था, उन्होंने भी स्वर्ग में जाकर भोगना पड़ा था। हाँ जी, तो मैं बता रहा था भैया प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। क्या दी जाती है? एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है कि भैया हमारे ऑफर आपको दिए हुए हैं, ले लो। तो जो क्या होता है कि ना, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में क्या लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि ना जो कंपनी प्रोस्पेक्टस में लिख देगी कि हमें इतनी मिनिमम सॉल्यूशन होनी चाहिए, वो मिनिमम सॉल्यूशन होगी। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, द इशू अमाउंट रिटर्न या शेयर एप्लीकेशन लिख लो, application of shares return in prospectus is minimum subscription of shares. जो लॉ में ये लिखा हुआ है कि application of shares return in prospectus इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन शेयर्स, यानी कि जो आप प्रोस्पेक्टस निकालोगे ना, आपको बताना पड़ेगा कि हमें इतनी मिनिमम एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर इतनी मिनिमम एप्लीकेशन आई तभी शेयर इशू करेंगे, अगर इतनी एप्लीकेशन नहीं आई तो हम शेयर इशू बाद में ना। सेबी गाइडलाइंस आई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ने ना इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रखी है, इसे बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा नहीं कि ठीक है भैया, ये तो कुछ भी लिख देंगे, कंपनी वाले तो पागल बना देंगे, कुछ भी लिख देंगे, जानबूझ के 10,000 शेयर इशू कर देंगे, 1,000 शेयर लिख देंगे, ये तो बहुत कम हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। उन्होंने सेबी ने गाइडलाइंस निकाली कि भैया कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो तुम प्रोस्पेक्टस में लिखोगे ना, वो कितनी लिखोगे? 90%। अब टीचरों के माइंड में, स्टूडेंट टीचर के माइंड में 90% घुसा हुआ है, वो आपके माइंड में कितना घुसा देते हैं? 90% घुसा देते हैं। तो आपको पढ़ना है भैया कि सेबी गाइडलाइंस कहती है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगी ना, जो प्रोस्पेक्टस में तुम लिखोगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होगी प्रोस्पेक्टस में जो लिखोगे, वो कितनी लिखोगे? मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिटर्न इन प्रोस्पेक्टस मस्ट बी एटलीस्ट 90% ऑफ इशू साइज। समझ आई मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि आप प्रोस्पेक्टस में जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखोगे वो कितनी लिखोगे? एटलीस्ट 90% लिखोगे। यानी कि उन्होंने कह दिया कि प्रोस्पेक्टस की भी लिमिट डिसाइड कर दी। उन्होंने कहा 90 से 100% तक लिख सकते हो आप प्रोस्पेक्टस में। मान लो उन्होंने कहा प्रोस्पेक्टस जो मिनिमम लिमिट होगी ना, वो 90% लिखनी है। फॉर एग्जांपल आप कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर्स, तो सेबी कहता है कि आप प्रोस्पेक्टस में मिनिमम कितना अमाउंट लिखोगे?
9,000 शेयर्स, क्या 9,000 से ज्यादा लिख सकते हैं प्रोस्पेक्टस में? हाँ, ये लिख सकते हैं। यानी अगर प्रोस्पेक्टस में 9,500 शेयर लिख दिए तो 9,500 मिनिमम सॉल्यूशन हो गया। अगर प्रोस्पेक्टस में 100% लिख दिया तो मिनिमम सॉल्यूशन कितना हो गया? 100%। समझ आई बात इस लॉ की क्या मतलब हुआ? लॉ का ये मतलब है, पहले लॉ में ये लिखा हुआ है जो आप प्रोस्पेक्टस में लिख दोगे वो मिनिमम सॉल्यूशन होगी, तो लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया कि भैया कुछ भी लिख दो। तो उन्होंने सेबी गाइडलाइंस निकाली, सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली क्या है कि मिनिमम सॉल्यूशन क्या है, क्या जो प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सॉल्यूशन लिखनी है वो कितनी लिखनी है? हाँ, क्या हम 90% से ज्यादा लिख सकते हैं प्रोस्पेक्टस में? हाँ लिख सकते हैं ना, मिनिमम है मिनिमम। हाँ, अगर आपने प्रोस्पेक्टस में 9,500 लिख दी तो वो 9,500 एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर 9,500 एप्लीकेशन नहीं आई तो पैसा क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझ आ गई बच्चों बात? अगर प्रोस्पेक्टस में हमने कह दिया 100% सबमिशन होनी चाहिए तो मिनिमम सबमिशन कितनी हो गई? 100% कितनी हो गई? यानी मोरल स्टोरी, ये जो सेबी गाइडलाइंस है 90% वाली, जो टीचरें बार बार 90-90 करती रहती हैं, 90-90 करती रहती हैं, वो 90% में लॉ ने लिखा हुआ है कि आप जो प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सबमिशन लिखोगे वो 90% में लिखोगे। आपकी मर्जी है, आप मिनिमम सबमिशन 100% लिख दो, 95 लिख दो, 90 से लेकर 100 तक लिख सकते हो आप प्रोस्पेक्टस में, वो आपकी मिनिमम सबमिशन होगी। समझ आ गई बात? तो जो प्रोस्पेक्टस में लिखा जाएगा वो मिनिमम सबमिशन होगी। लेकिन लॉ ने कहा, क्या कहा? कि जो मिनिमम सबमिशन होगी जो प्रोस्पेक्टस में लिखी जाएगी वो 90% लिखी जाएगी। आई बात? यानी कि समझ कि भैया आप प्रोस्पेक्टस में मिनिमम 9,000 लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप 9,000 से 10,000 जो मर्जी लिख दो। आपने अगर 10,000 लिख दिया प्रोस्पेक्टस में तो 10,000 ही मिनिमम सबमिशन होगी। आई बात समझ के नहीं आई? आगे चलते हैं जी। इसमें प्रोस्पेक्टस 9,000 से कम हुई, पहली बात से प्रोस्पेक्टस ने अप्रूव कराना होता है सेबी से। आप बताओ वैसे गवर्नमेंट का अप्रूव होने गई, क्या गवर्नमेंट अप्रूव करेगी प्रोस्पेक्टस? आप दोबारा यहाँ पे क्या, आपने प्रोस्पेक्टस में कितना लिखा? 10,000 शेयर इशू किए, 90% लिखी। अगर 90% से कम यहाँ प्रोस्पेक्टस में लिखा कि हमें मिनिमम सबमिशन वो होती है कि मिनिमम इतनी एप्लीकेशन आनी चाहिए, अगर इतनी एप्लीकेशन नहीं आई तो हम पैसे क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। क्या कर देंगे? तो व्हाट इज मिनिमम सबमिशन? अगर इतनी एप्लीकेशन नहीं आई तो हम शेयर इशू नहीं करेंगे, तो हम शेयर इशू पैसे लौटा देंगे। तो मिनिमम सबमिशन मतलब है कि अगर इतनी एप्लीकेशन नहीं आई तो हम पैसे क्या कर देंगे? लौटा देंगे। ठीक है जी। अब उन्होंने कह दिया कंपनी से 2013 में जो हमने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया वो मिनिमम सबमिशन होगी, लेकिन सेबी ने क्लैरिफाई किया कि भैया प्रोस्पेक्टस में जो तुम लिख सकते हो ना वो 90 से 100 के बीच में लिख सकते हो, और मिनिमम 90 तो लिखना ही लिखना है। यानी 9,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए, उसके चाहे उससे ज्यादा तुम लिख सकते हो, उससे कम नहीं लिख सकते प्रोस्पेक्टस में। टीचर तुम्हें बस यही बोलती हैं मिनिमम सबमिशन, जो स्कूल की टीचर होती हैं वो यही बोलती हैं कि मिनिमम सबमिशन क्या होती है? 90%। वो ये नहीं बताती कि प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ कि तो जो ये सेबी गाइडलाइंस ये है कि प्रोस्पेक्टस में मिनिमम 90% लिखनी पड़ेगी, 90% से ज़्यादा लिख सकते हैं। अगर तुमने यहाँ 95 लिख दी, हाँ, तो मिनिमम सबमिशन कितनी हो गई? 9,500 हो गई। समझ आ गई बात? तो टीचर मोस्टली सारी गलत बताती हैं, उनको लॉ पढ़ना ही नहीं आता, लॉ की इंटरप्रिटेशन ही नहीं आती है। हाँ जी, देखना आपने स्कूल में भी देखना, वो यही कहेंगी। पहली एंट्री देखो जी, फर्स्ट एंट्री 10,000 शेयर्स हैं। हाँ जी, मुझे लिखे एप्लीकेशन कितनी आई? 9,000। अच्छा, अगर कुछ बताया नहीं है कि मिनिमम सबमिशन क्या है तो हम यही मानते हैं कि सेबी गाइडलाइंस कितना तो लिखा ही होगा, फिर वो सेबी गाइडलाइंस का मानते हैं कि अगर अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया होगा कि मिनिमम सबमिशन कितनी है तो हम यही मानते हैं कि सेबी गाइडलाइंस वाली तो लिखी हुई होगी, सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली मिनिमम कितनी लिखनी है? 90%। तो 90% लिखी हुई, 9,000 तो एप्लीकेशन चाहिए चाहिए। अगर कुछ मान लो एप्लीकेशन कितनी आ जाती, ये बच्चों CUT में भी क्वेश्चन आ चुका है और बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है, क्या कि एप्लीकेशन आ गई जी 8,000 आ गई, कितनी आ गई? पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 16,000, और दूसरी एंट्री क्या आएगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक, सारा पैसा रिफंड कर देंगे, आगे की एंट्री ही नहीं आएंगी। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 16,000, और दूसरी एंट्री क्या आएगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर बैंक। यानी कि अगर मिनिमम एप्लीकेशन से कम एप्लीकेशन आ गई तो क्या करना पड़ता है बेटा? सारा पैसा रिफंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9,000 के। अब जो हमें सारी एंट्रियां वही सही है, मैं तो पूरे चैप्टर में ना एंट्रियां सेम है, पूरे चैप्टर में एंट्रियां क्या है इस टॉपिक में तो सेम है, जो दो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश और इशू शेयर इन इंस्टॉलमेंट, जिसकी एक्स्ट्रा क्लास कल और परसों है, आपको बताई दिया मैंने ग्रुप में। ठीक है जी, क्योंकि चैप्टर बड़ा है एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी तो आपको आना है एक्स्ट्रा क्लासेस में, उनकी एंट्रीज अलग है। नहीं तो पूरे चैप्टर में ये 11 एंट्रियाँ टोटल, कितनी एंट्रियाँ?
इस वाले टॉपिक में 11 एंट्रियां 8 मैंने पिछली क्लास में करा दी थी, अभी भी रिवाइज कराई हैं, पूरे चैप्टर में यही एंट्री चलनी है। मेन कहाँ दिमाग का खेल है बताऊंगा, कहाँ दिमाग का खेल है अमाउंट निकालने वाला। हाँ जी बच्चों, एप्लीकेशन आई, हमने इशू किया 10, एप्लीकेशन कितनी आई 9। क्या इस 10 सारा कुछ काम रह गया? हमें 9 के हिसाब से एंट्री करनी है, एंट्रियाँ सेम रहेगी बस 9 के हिसाब से एंट्री कर देना। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, नरेशन लिखूँ या वही वाली एंट्री, नरेशन हर जगह रिपीट है। पहली एंट्री क्या आएगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी। दूसरी एंट्री क्या आएगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 18,000। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चों नरेशन वही है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। बस ये याद रखना, जो सीयूटी में भी क्वेश्चन आ चुका है और बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है, एप्लीकेशन आ गई थी 8,000, अगर यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाती है 8,000 तो पहली एंट्री सेम होती है और दूसरी एंट्री क्या हो जाती? हाँ, तो एंट्री कर देना शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक, कर देना। क्या कर देना? अगला चलते हैं तो नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू कर दो, अलॉटमेंट की एंट्री कर दो। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर दो जी। कितना आ गया? 9,000 एप्लीकेशन, 9,000 इंटू 3 27,000। अब जो पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंट्री। तो जो आप 2-3 क्वेश्चन करोगे अपने आप याद हो जाएंगे। फर्स्ट कॉल कितने किया बच्चों? हाँ जी, फर्स्ट कॉल कितने किया? हाँ जी सर, अब जो देखो फर्स्ट कॉल ड्यू कर देना। फर्स्ट कॉल कितने की ड्यू करोगे? 9,000 इंटू कितना है? 27 आ जाएगा आगे। हाँ जी, जो एंट्री आ जाएगी बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल ड्यू कर दो। हाँ जी, सेकंड कॉल ड्यू करना। सेकंड कॉल कितने की? जो 2 रुपए की। सेकंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेकेंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल कर दो जी। शेयर सेकेंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 9,000 इंटू 2
18,000 पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड फाइनल कॉल आ जाएगी। हाँ जी सर, सेवन में ये वो मैं भूल जाता हूँ, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ना अगर आपको ना क्वेश्चन में इक्विटी शेयर लिखा होगा तो इक्विटी शेयर लिखना, क्वेश्चन के अंदर आपको प्रेफरेंस शेयर लिखा होगा तो प्रेफरेंस शेयर लिखना। मैं इक्विटी शेयर को ई एस लिखता हूँ, प्रेफरेंस शेयर को पी एस लिखता हूँ, लेकिन कुछ लिखा ना तो शेयर ही लिखते हैं, ठीक है ना। आगे जाके ना जो क्वेश्चन करोगे ना, कहीं पर इक्विटी शेयर लिखा होगा, कहीं प्रेफरेंस शेयर लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा तो शेयर लिखते हैं। तो मेरे को आदत पड़ी हुई इक्विटी शेयर को ईएस लिखने की, प्रेफरेंस शेयर को पीएस लिखने की, तुम आदत मत डालना, तुम पूरा ही लिखना, ठीक है। जो ये समझ आ गया, ये कौन सा केस कर लिया जो हमने अंडर सा क्वेश्चन का, आपने देखा जो एंट्रियां सेम है पूरे चैप्टर में ना, पूरे टॉपिक में यही 11 एंट्रियां, अभी ये 8 एंट्रियां तीन और रहेंगी, फोर फीचर और रीशू की, फोर फीचर और रीशू और कैपिटल, तीन एंट्रियां और है, बस अमाउंट चेंज होगा, बस क्या होगा, हाँ हाँ क्या, हाँ जो आखिरी कॉल होती है ना बच्चों, हाँ जी बच्चों, जो आखिरी कॉल होती है उसके आगे फाइनल लिखना जरूरी होता है, नंबर कट जाएंगे। अगर फर्स्ट कॉल आखिरी हुई, फर्स्ट कॉल के आगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखना होता है, कई बार पहली कॉल में सारा पैसा मंगवा लेते हैं तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्या थर्ड कॉल भी हो सकती है, हाँ हो सकती है, फोर्थ कॉल भी हो सकती है, हो सकती है, वो तो उनकी कंपनी की मर्जी होती है कितनी कॉल करा लो, समझ आ गया भाई। हाँ जी मैडम, मैं पहली एंट्री हो जाती बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री हो जाती शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, समझ आ गया बच्चों, बात की नहीं आई दोबारा समझाओ। आगे चलो जी, ओवर सब्सक्रिप्शन, हाँ जी बच्चों अगला टॉपिक लिखेगा ओवर सब्सक्रिप्शन, हाँ जी बच्चों अगला क्वेश्चन लिखेगा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है, अगर हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती हैं, जितने शेयर इशू किए उसे क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज मोर देन, इफ एप्लीकेशन रिसीव इज मोर देन, इफ एप्लीकेशन रिसीव इज मोर देन शेयर इशूड, इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इफ एप्लीकेशन रिसीव इज मोर देन, अगर एप्लीकेशन रिसीव हो जाए मोर देन किससे, शेयर इशू से, तो उसे क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ हाँ जो देखिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है थ्योरी का ही आता है जो, हाउ शेयर्स आर अलॉटेड, हाउ शेयर्स आर अलॉटेड, हाउ शेयर्स आर अलॉटेड इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स, हाउ शेयर्स आर अलॉटेड इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर, बहुत बार आया जो थ्योरी है क्वेश्चन, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स। सर आप चुप रहे, आप पहली बार कर रहे हैं, हाउ शेयर्स आर अलॉटेड इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स, जो ये क्वेश्चन थ्योरी का बहुत बार आया है कि कैसे शेयर अलॉट होते हैं इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स, यानी कि अगर आपने 10,000 शेयर इशू किए हैं लेकिन एप्लीकेशन आ गई कितनी, 15,000, कितनी एप्लीकेशन आ गई, तो क्या करेंगे कंपनी ना, 10,000 शेयर इशू किए हैं, एप्लीकेशन आई है 15,000, हम 10,000 से ज़्यादा इशू ही नहीं कर सकते, पिछले क्लास में बताया था मैंने, क्या बताया था, सब्सक्राइब कैपिटल कैन नॉट एक्सीड इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल कैन नॉट एक्सीड, पिछले क्लास में बताया था ना, जितने लोग लेंगे वो इशू से ले ही नहीं सकते, तो कंपनी ने इशू किया 10,000 लेकिन एप्लीकेशन आ गई 15,000, क्या हम 15,000 शेयर इशू कर सकते हैं, नहीं। अब क्या करते हैं, हम कैसे अलॉटमेंट करते हैं, हाउ शेयर्स आर अलॉटेड इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स, पहला तो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन तीन केसेस हो सकते हैं, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन तीन चीज़ें कर सकते हैं बच्चों, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन हम तीन चीज़ें कर सकते हैं, पहली चीज़ क्या, रिजेक्ट द एग्जिस एप्लीकेशन, पहली चीज़ क्या कर सकते हो, रिजेक्शन कर दो, जो एग्जिस एप्लीकेशन आई है ना उनको रिजेक्ट कर दो, आप सिलेक्ट करो कि कौन से बेकार शेयर होल्डर है, कौन से बेकार एप्लीकेंट है, ठीक है, उनको पहले से रिजेक्ट कर दो, क्या कर दो, हाँ पहले से रिजेक्ट कर दो, बेकार है हटा दो इन्हें, ठीक है जी, इनको सिलेक्ट किया जाता है, स्क्रूटनाइज किया जाता है,